हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ पोल ट्रेनिंग यानी कि खेल चिकित्सा शास्त्र से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर के। दोस्तों, चाहे किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो, केवीएस एमवीएस हो, चाहे यूपी टीजीटी हो, यूपीएलटी ग्रेट हो, चाहे एमपी टेट हो, सभी के लिए मेरे चैनल पे सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियोज हैं। आप थ्योरी सेशन को यदि एक बार देख लेंगे अच्छे से तो एमसीक्यूज लगाना आपके लिए वेरी आसान हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि जो थ्योरी सेशन है वो टॉपिक वाइज है, चैप्टर वाइज है, और सभी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वहाँ पे जाके आप देखेंगे तभी आपको विश्वास होगा। और उसके बाद एक बार आप थ्योरी सेशन देखेंगे तो उससे रिलेटेड सभी टॉपिक आपके माइंड में हो जाएंगे, फिर जब एमसीक्यूज लगाएंगे तो आसानी होगा। तो मेरे चैनल पे सभी चैप्टर वाइज थ्योरी सेशन भी है एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी है, एंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज के भी 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हल कराए गए हैं, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर हल कराए गए हैं। तो मेरे चैनल पे जुड़ जाइए और अपना सेल्फ स्टडी, अपने जो एथेंटिक बुक लिया है उससे भी करते रहिए, और मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस भी करा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ कि वह ओवर यूज इंजरी जिसमें पैर के नीचे के तलवे की मांसपेशी में सूजन आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्लांटर फसाइटिस। जैसा कि दोस्तों, ओवर यूज, ओवर यूज का मतलब है कि बार बार यूज होना। तो ओवर यूज यानी कि जिस पैर में, पैर के नीचे के तलवे यानी कि जो पैर के नीचे एड़ी के बाद जो तलवा होता है वहाँ पे सूजन आ जाए बार बार यूज होने से, यानी ओवर यूज होने से, ऐसी इंजरी को हम कहते हैं प्लांटर फसाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ओवर यूज जिसमें टीबिया हड्डी से जुड़ी हुई मांसपेशी में दर्द व सूजन रहे उस चोट को क्या कहेंगे? तो टीबिया हड्डी क्या है? हमारे पैर के अंगूठे की तरफ की जो हड्डी जाती है उसे टीबिया हड्डी कहते हैं। तो टीबिया हड्डी से जुड़ी हुई मांसपेशियों में दर्द और सूजन रहे, जो ओवर यूज के कारण यानी बार बार यूज होने के कारण चोट हो, तो उसको हम कहते हैं, उसको कहते हैं एंटीरियर लेग पेन। वेरी इंपॉर्टेंट है, यह कई बार पूछा है, एंटीरियर लेग पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीरियर लेग पेन को और किस नाम से जाना जाता है? तो एंटीरियर लेग पेन को सीन पेन के भी नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछ देता है बार बार कि एंटीरियर लेग पेन को और किस नाम से जाना जाता है, तो सीन पेन के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इन सभी चोटों के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया है, थ्योरी सेशन देखेंगे तो आप सबको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, किस कनेडियन को खेल चिकित्सा शास्त्र का पिता कहा जाता है? तो जैसा कि दोस्तों, डॉक्टर जेसी कर्नेडी को, जो कनाडा के थे, इनको खेल चिकित्सा शास्त्र यानी स्पोर्ट्स मेडिसिन का पिता कहा जाता है। जबकि चिकित्सा शास्त्र का पिता कहेगा तो हिप्पोक्रेटस हैं, और खेल चिकित्सा शास्त्र का पिता कहेगा तो डॉक्टर जेसी कर्नेडी हैं। दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चिकित्सा की मुख्य संस्था कौन सी है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चिकित्सा शास्त्र की मुख्य संस्था है फेडरेशन इंटरनेशनल डी मेडिको स्पोर्टिव। नेक्स्ट है, खेल चिकित्सा की अंतर्राष्ट्रीय एकेडमी कहाँ स्थित है? तो वह है अमेरिका में। नेक्स्ट है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी मेडिको स्पोर्टिव का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, इसका उद्देश्य है खेल चिकित्सा को बढ़ावा देना तथा खिलाड़ियों को इसके लाभ पहुंचाना। नेक्स्ट है, खेलों में खेल चिकित्सा के महत्व हैं। तो खेलों में खेल चिकित्सा का क्या महत्व है? इससे बहुत सारा ज्ञान मिलता है खिलाड़ियों में, खिलाड़ियों से रिलेटेड, जैसे कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना, कार्य क्षमता के आधार पर खाद्य योजना यानी कि जो बैलेंस डाइट होता है पोषण का, उसका अच्छे से हम अनुमान लगाते हैं, अनुवांछित सुधारों के लिए प्रशिक्षण योजना बनाना यानी कि कमजोर है तो कमजोर के लिए अलग प्रशिक्षण, योग्य ज़्यादा योग्य है तो उसको लिए अलग प्रशिक्षण,
ठीक है, इस तरह एक वर्गीकरण हो जाता है। खेल चिकित्सा शास्त्र का बहुत ही महत्व है फिजिकल एजुकेशन में। नेक्स्ट है, खिलाड़ियों द्वारा ड्रग्स प्रयोग करने के कारण है, क्यों ड्रग्स प्रयोग करते हैं? वो ये होता है कि वो यश, प्रशंसा एवं सम्मान, इस स्पर्धाओं में उत्तम प्रदर्शन तथा इस स्पर्धाओं में विजय प्राप्त करने की लालसा से खिलाड़ी अक्सर ड्रग्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, मादक पदार्थ का खिलाड़ी के लिए क्या उपयोग प्रभावित करता है? तो जो मादक पदार्थ होते हैं जिसमें हम डोपिंग के, जैसे कि गलत तरीके से अपनी क्षमता खिलाड़ी जब बढ़ाते हैं तो उसको डोपिंग बोला जाता है, तो ये सभी मादक पदार्थ करते क्या हैं? तो ये सभी मादक पदार्थ में शारीरिक और मानसिक उत्तेजना को बढ़ा देते हैं कुछ समय के लिए, बाद में तो साइड इफेक्ट होता ही है। नेक्स्ट है, व्यक्ति पर मादक पदार्थों का हानिकारक क्या प्रभाव है? तो दोस्तों इसका अच्छा प्रभाव यह है कि शारीरिक मानसिक उत्तेजना को बढ़ा देता है कुछ समय के लिए, जिससे खिलाड़ी अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता है। लेकिन उसका हानिकारक प्रभाव क्या है? तो उसका हानिकारक प्रभाव यह है कि संवेगों पर नियंत्रण का अभाव हो जाता है बाद में, फिर बेचैनी अनुभव होता है, महिलाओं में पुरुष तत्व के गुण विकसित हो जाते हैं। जैसा कि यह भी पूछा जाता है कि किस मादक पदार्थ को लेने से महिलाओं में पुरुष तत्व के गुण विकसित हो जाते हैं, तो वो होता है एनाबोलिक स्टेरॉयड। नेक्स्ट है, 1988 के आधुनिक ओलंपिक खेलों में मादक पदार्थ सेवन करने पर दंडित खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों 1988 के सियोल ओलंपिक में बेन जॉनसन जो थे वो नेड्रोलॉन का सेवन किए थे, जिनको डोपिंग के थ्रू दंडित किया गया था, इनका मेडल भी वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट, रक्त डोपिंग के कुप्रभाव क्या है? तो दोस्तों इसमें कुप्रभाव यह है कि HIV और रक्त थक्कों का बढ़ना इसका कुप्रभाव है। जैसे कि इसका उस समय लाभ क्या होता है रक्त डोपिंग में, कि एक या दो यूनिट रक्त को निकाल करके उसमें से प्लाज्मा में से RBC दोनों को अलग करके डीप फ्रीजर में रख दिया जाता है, और जब प्रतियोगिता होना होता है तो उससे 2-4 दिन पहले उसको इंजेक्ट यानी चढ़ा लिया जाता है, जिससे खिलाड़ी के शरीर में जब RBC की मात्रा बढ़ेगी तो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी तो हमारे शरीर में शक्ति बढ़ेगी, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, तो ये प्रभाव होता है। लेकिन बाद में कुप्रभाव इसका होता है, क्योंकि HIV भी 3 प्रकार से फैलता है, एक माँ के द्वारा बच्चे में फैलता है, एक रक्त चढ़ाने से फैलता है, ठीक है, एक संबंध बनाने से, 3 चीज़ों से ही HIV फैलता है, जिसमें से ये रक्त डोपिंग में ये आ जाता है। नेक्स्ट है, खिलाड़ियों द्वारा कृत्रिम रूप से क्षमता बढ़ाने के साधन हैं। तो कृत्रिम रूप से क्षमता बढ़ाने का साधन है प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करना और रक्त डोपिंग, इसको लेकर के खिलाड़ी अपनी क्षमता को इंस्टेंटली बढ़ा लेते हैं, तुरंत बढ़ा लेते हैं, बट बाद में इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, मादक पदार्थ या प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करने वाले दोषी खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों ये सभी आपके जैसे हैं कि माइक टायसन जो है बॉक्सिंग में, बेन जॉनसन एथलेटिक में, सीमा अंतिल एथलेटिक में, इस चारों के चारों खिलाड़ी क्या हैं? मादक पदार्थ यानी डोपिंग में प्रतिबंधित हैं। नेक्स्ट है, एर्गोजेनिक एड्स का क्या अर्थ है, जो खिलाड़ी या व्यक्ति के क्या करता है? एर्गोजेनिक एड्स जो होता है यह खिलाड़ी या व्यक्ति को शक्ति उत्पादन करती है, इसके प्रयोग अथवा पुनर्प्राप्ति को उत्प्रेरित करता है एवं खेल क्षमता पर वास्तविक प्रभाव डालता है, इसका साइड इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, ये अच्छा प्रभाव डालता है। डोपिंग और एर्गोजेनिक एड्स में अंतर है, तो डोपिंग और एर्गोजेनिक एड्स दोनों थ्योरी वाला आप वीडियो देख लीजिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, एर्गोजेनिक एड्स के प्रकार हैं। तो दोस्तों यह पोषणात्मक यानी कि न्यूट्रिशनल एड्स, मनोविज्ञानात्मक यानी कि साइकोलॉजिकल एड्स, औषधात्मक यानी कि फार्माकोलॉजिकल एड्स एंड शरीर क्रियात्मक यानी कि फिजियोलॉजिकल एड्स, ये आपके एर्गोजेनिक एड्स होते हैं। इसके बारे में मैंने थ्योरी सेशन बनाया हुआ है। नेक्स्ट है, भोजन
पोषण के अतिरिक्त भोज्य संपूरक के रूप में ग्रहण किए जाने वाली एर्गोजेनिक ईयर्स कहलाते हैं। तो दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा ये सब हम लेते हैं भोज्य संपूरक के रूप में, तो ये सब पोषणात्मक यानी कि न्यूट्रिशनल एर्गोजेनिक ईयर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है खिलाड़ी की खेल क्षमता पर अत्यधिक प्रभाव डालने वाले तत्वों युक्तियों क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है। तो खेल क्षमता पर अत्यधिक प्रभाव डालने वाले इनहेंस कर देने बढ़ा देने वाले तत्वों को युक्तियों क्रियाकलापों को बोला जाता है एर्गोजेनिक एड्स। नेक्स्ट है पोषणात्मक एर्गोजेनिक एड्स यानी जो न्यूट्रिशनल कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन ये सब होते हैं कैसे ग्रहण किए जाते हैं। तो ये सब ग्रहण किए जाते हैं गोलियों द्वारा तरल पदार्थों द्वारा और इंजेक्शन द्वारा इस प्रकार से उसको ग्रहण किया जा सकता है। नेक्स्ट है पोषणात्मक एर्गोजेनिक एड्स का खिलाड़ी पर क्या प्रभाव होता है। तो यह क्या होता है, यह सीधे तौर पर शारीरिक शक्ति और चुस्ती को बढ़ाते हैं। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन व सा विटामिन खनिज लवण ये होता है इसको पोषणात्मक एर्गोजेनिक एड्स कहते हैं। ये हमारे शरीर में सीधे तौर पर शारीरिक शक्ति और तेजी चुस्ती बढ़ाते हैं, इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये फुर्ती भी प्रदान करते हैं और शारीरिक प्रदर्शन को शरीर में उपस्थित घटकों की मात्रा में बाधित परिवर्तन भी करते हैं तथा खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्ति और गति बढ़ाते हैं। कौन, पोषणात्मक एर्गोजेनिक एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीधे तौर पर शारीरिक शक्ति तेजी चुस्ती फुर्ती प्रदान करने वाले पदार्थ हैं तो कौन है दोस्तों, वह है पोषणात्मक एर्गोजेनिक एड्स यानी न्यूट्रिशनल एर्गोजेनिक एड्स। इसमें आपका आता है कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन क्रेटमिन व विटामिन व जड़ी बूटियां क्या होती हैं। यह सीधे तौर पर शारीरिक शक्ति तेजी चुस्ती फुर्ती प्रदान करने वाले पदार्थ हैं। नेक्स्ट है शारीरिक प्रदर्शन के लिए शरीर में उपस्थित घटकों में वांछित परिवर्तन करने वाले पदार्थ हैं तो ये हैं प्रोटीन क्रोमियम वेनेडियम आदि। नेक्स्ट है खोई हुई शक्ति की प्राप्ति की गति बढ़ाने वाले पदार्थ हैं तो ये पदार्थ हैं तरल कार्बोहाइड्रेट विटामिन व खनिज लवण तथा जड़ी बूटियां। नेक्स्ट है मनोविज्ञानात्मक यानी कि साइकोलॉजिकल एर्गोजेनिक एड्स के उदाहरण हैं तो क्या है, जैसे कि कोई अपना प्रदर्शन कर रहा है तो उसको आप सम्मोहन देंगे उत्साह देंगे और मानस दर्शन देंगे तालियां बजाएंगे तो ये क्या है, एक मनोविज्ञानात्मक एर्गोजेनिक एड्स है। किसी को उत्साह देने से ताली बजाने से उसमें और उत्साह आता है, वो और अच्छा प्रदर्शन करता है तो ये भी प्रदर्शन बढ़ाने का एक साधन है, इसलिए इसको भी एर्गोजेनिक एड्स के रूप में रखा गया है। नेक्स्ट है यांत्रिक एर्गोजेनिक एड्स के उदाहरण हैं तो यांत्रिक में क्या होगा कि आप जो भी खेल खेल रहे हैं तो उसमें आपके जूते कैसे हैं, हल्के हैं कि भारी है, विशेष प्रकार के कपड़े धातु मिश्र से बने उपकरण ये सब कैसे हैं, किस प्रकार से उपयोग करना है ये आप निर्भर करता है किस क्वालिटी के हैं। नेक्स्ट है खेल क्षमताओं को बढ़ाने वाली औषधियाँ हैं तो खेल क्षमताओं को बढ़ाने वाली औषधियां कौन है दोस्तों, तो ये औषधियां हैं आपके एनाबोलिक स्टेरॉयड एम्फिटामाइंस एंडोस्टेरोडियोन ये सभी क्या है खेल क्षमताओं को बढ़ाते हैं इंस्टेंटली। नेक्स्ट है खिलाड़ी एर्गोजेनिक एड्स के प्रति आकर्षित होता है तो कैसे आकर्षित होता है, आजकल रेडियो देखकर टीवी टेलीविजन द्वारा और विज्ञापनों द्वारा ही तो सब कुछ पता चलता है। नेक्स्ट है खिलाड़ी को शारीरिक व्यायामों के लिए किन विटामिन की आवश्यकता होती है तो इन सभी विटामिन की आवश्यकता होती है, जितने भी विटामिन हैं ए बी सी डी ई के एंड जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है तो इतना इसमें जो दिया है उसके अलावा भी सभी जो विटामिन हैं उसको शारीरिक व्यायामों के लिए आवश्यक है, चाहे थायमिन यानी कि विटामिन B1 है, नियासिन है, राइबोफ्लेविन है, पेंटाथोनिक है, सभी आपके लिए जरूरी हैं। नेक्स्ट प्रतिबंधित ड्रग्स के अंतर्गत आते हैं तो प्रतिबंधित ड्रग्स क्या हैं? आपका अफीम यानी गांजा भी है, मार्फिन, हीरोइन, कोकीन, LSD ये सभी क्या हैं? प्रतिबंधित हैं।
दोस्तों डोपिंग के अंतर्गत आपको अच्छे से समझाया गया है कि खेल के अंदर कौन कौन से विशेष खेल के अंदर प्रतिबंधित हैं, कौन कौन से इन कंपटीशन प्रतिबंधित हैं, कौन कौन ऑल टाइम बैंड हैं। तो इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए डोपिंग के सभी वीडियोज को आप जरूर देखिए। नेक्स्ट है खिलाड़ी के घायल और चोटग्रस्त होने का स्थान है। तो सिंपल सी बात है, खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, जहां भी वो खेलेगा सभी आपको चोटग्रस्त होने का स्थान है। नेक्स्ट है खिलाड़ी के घायल और चोटग्रस्त होने का कारण क्या है। तो यदि मैदानों का घटिया रख रखाव है, मौसम की विपरीत स्थितियां हैं, प्रशिक्षण का अभाव है, तो चोटग्रस्त होने का ज्यादा संभावना होता है। नेक्स्ट है खिलाड़ी को खेलकूद के समय लगने वाली चोटें कौन सी हैं। तो यह सामान्य और गंभीर चोटें होती हैं, खेलकूद के समय लगने वाली चोटें। नेक्स्ट है सामान्य चोटें हैं क्या हैं। रगड़, छिलना, गुम चोट व त्वचा का फटना, ये सब क्या हैं, सामान्य चोटें हैं। और गंभीर चोटों में क्या आ जाएगा। नेक्स्ट है गंभीर प्रकार की चोटें कौन सी हैं। तो लिगामेंट का फटना, मांसपेशी का फटना, अस्थि भंग, ये सब का है गंभीर चोटें हैं। नेक्स्ट है खिलाड़ियों को किस प्रकार के खेलों में जोखिम उठाना पड़ता है। तो जोखिम वाले खेल हैं घुड़दौड़, कार व मोटर साइकिल दौड़ तथा द्वंद्वात्मक प्रतियोगिताएं, कॉम्बैट गेम, ये सभी क्या है जोखिम वाले खेल हैं। नेक्स्ट है कौन सी गंभीर चोटें हैं दोस्तों। तो अस्थि भंग, स्थान भंग, अंग भंग, ये सब क्या है। अस्थि भंग को फ्रैक्चर भी बोलते हैं, स्थान भंग को डिसलोकेशन भी बोलते हैं, ठीक है, ये सब गंभीर चोटें के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है खिलाड़ी को खेलते समय अस्थि टूटने को क्या कहा जाता है। तो अस्थि भंग बोला जाता है। नेक्स्ट है शरीर को खेलते समय अस्थि के अपने स्थान से हट जाने को क्या कहा जाता है। तो अस्थि के अपने स्थान से हट जाने को स्थान भंग यानी डिसलोकेशन बोला जाता है। जैसे हमारे कंधे जो एक गड्ढे में जुड़ा हुआ है वो अपने स्थान से खिसक जाता है, उसी को डिसलोकेशन बोलते हैं। अपने स्थान से हट जाना ही डिसलोकेशन यानी कि स्थान भंग है। नेक्स्ट जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फैलता है उन्हें हम क्या कहते हैं। उन्हें हम कहते हैं संक्रामक रोग। ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, प्रोटोजोआ आदि से फैलता है। तो संक्रामक रोग वाले वीडियो को आप देख लेंगे तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट है दोस्तों कि संक्रामक रोग है तो इसमें से आपका संक्रामक रोग HIV भी है, हेपेटाइटिस भी है, हेपेटाइटिस बी है, टाइफाइड है, मलेरिया है, ये सब क्या है संक्रामक रोग हैं। नेक्स्ट है कि असंक्रामक रोग क्या हैं। तो असंक्रामक रोग है मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप। जैसा कि दोस्तों संक्रामक असंक्रामक दोनों में आप अंतर समझ लीजिए पहले कि संक्रामक रोग वो होता है जो यानी कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है वो अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ से फैलता है, पानी, जल, खाना, दूषित भोजन आदि से। एंड जो आपका असंक्रामक रोग होता है वो जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया इस सबसे नहीं फैलता है, वो पोषण की कमी से या अन्य कारणों से फैलता है। नेक्स्ट है भयानक रोग है। तो भयानक रोग में आपके आ जाएंगे तपेदिक यानी कि टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जिसे क्षय रोग भी बोला जाता है, फील पाव यानी हाथी पाव, प्लेग जो चूहों द्वारा फैलता है, HIV एंड यौन संक्रमित रोग, ये सब क्या है भयानक रोग है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये आपका खेल चिकित्सा से वर्ल्ड लाइनर क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड इसी तरह बने रहिए मेरे चैनल में बेहतरीन तैयारी के लिए। जो भी डाउट होगा बताते रहिएगा। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।